स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स लेक्चर 17 पोमग्रेनेट। इन दिस लेक्चर आई विल कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सोयल, क्लाइमेट, इम्पोर्टेंट वराइटीज, प्रोपोगेशन, प्लांटिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, यील्ड। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पोमग्रेनेट, जिसे अपने हिंदी में अनार कहते हैं, बोटनिकल नेम पुनिका ग्रेनेटम, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो पुनिका ग्रेनेटम है। फैमिली इसकी पुनिकेसी, ओरिजन ईरान, जो इसकी उत्पत्ति है वो ईरान है। क्रोमोसोम नंबर 2n18 होते हैं, जो इसके गुणसूत्र संख्या है, डिप्लोइड गुणसूत्र संख्या वो 18 होती है। और बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर जहाँ हैप्लोइड नंबर होते हैं वो 9 होते हैं या फिर 8 होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन्फ्लोरेसेंस इसका जो होता है हाइपैंथोडियम टाइप का होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम इसका हाइपैंथोडियम होता है। फ्रूट टाइप इसका ब्लाउस्टा होता है। फल का प्रकार ब्लाउस्टा, ठीक है। एडिबल पार्ट जूसी सीड कोट, एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला जो भाग होता है, अपने बीज के ऊपर वाला जो एरियल होता है उसको खाते हैं, बीज के ऊपर वाले कोट, सीड कोट को खाते हैं, ठीक है, जो ऊपर जूसी कोट होता है। डरू ए वाइल्ड टाइप, डरू एक इसका जंगली प्रकार है, अनार का एक जंगली प्रकार जिसे डरू कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट ट्री, यह नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट ट्री होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब जो इसके फल होते हैं वो पेड़ पे ही पकते हैं और पके हुए फलों को ही तोड़ा जाता है, जैसे कि सिट्रस के अंदर तोड़ा जाता है, नींबू के अंदर तोड़ा जाता है, ठीक है। ये तोड़ने के बाद नहीं पकते, इनका जो रेस्पायरेशन रेट होती है जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है फल उसकी बढ़ती जाती है, और उसके बाद ये जैसे ही तोड़ लिए जाते हैं या पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ये कम होती है इसकी रेस्पायरेशन रेट, ठीक है। विंड पोलिनेटेड होते हैं, एनेमोफिलस टाइप के होते हैं, मतलब जो हवा से इनका पोलिनेशन होता है इसे एक एनेमोफिलस, इसके लिए टर्म यूज की जाती है, जो विंड पोलिनेटेड होते हैं एनेमोफिलस। मिक्स बियरिंग हैबिट होती है, मिक्स बियरिंग हैबिट से मतलब इसके जो कलियाँ लगती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो मिक्स टाइप की होती हैं, ठीक है। हाईली ड्रोट टॉलरेंट होता है, हाईली ड्रोट टॉलरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा शुष्क जहाँ सूखे को सहन करने वाला होता है, सूखा सहन कर सकता है। पोमग्रेनेट जूस इज यूजफुल फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स, जो पोमग्रेनेट का रस होता है वो कुष्ठ रोगियों के लिए अच्छा होता है, कुष्ठ समझते हो जो स्किन वाली डिजीज रहती हैं। इसके अलावा इसका यूज में, इसके जो जूस होता है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एनीमिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। समर क्रॉप इज़ ए मैक्सिमम डिमांड, जो समर क्रॉप होती है, समर के सीजन की फसल होती है, ठीक है, उसकी बहुत ही ज़्यादा मांग होती है, गर्मियों के सीजन में इसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन महाराष्ट्र, जो इसका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है और उत्पादन है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है। जो 2018 NHB हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो डाटा है उसके अनुसार जो क्षेत्रफल है महाराष्ट्र का 2018 के अंदर वो है 147.91,000 हेक्टर, ठीक है, और प्रोडक्शन 1789,000 मैट्रिक टन है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की है, ठीक है, प्रोडक्शन जरूर महाराष्ट्र का ज़्यादा है पर तमिलनाडु की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात का आता है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के अंदर, उत्पादकता जिसको कहते हो, ठीक है, प्रति हेक्टर वो ज़्यादा तमिलनाडु की है, भले उसमें क्षेत्रफल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द NHB डाटाबेस 2018 द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोमग्रेनेट आर 234,000 हेक्टर एंड 2845,000 मैट्रिक टन रिसेप्टली। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2018 का डाटा है उसके अनुसार जो भारत के अंदर पोमग्रेनेट जो अनार का जो टोटल प्रोडक्शन और एरिया और प्रोडक्शन है वो एरिया तो है 234,000 हेक्टर और प्रोडक्शन है 2845,000 मैट्रिक टन, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ क्रैकिंग ऑफ फ्रूट इज मोर ड्यूरिंग द मृग बहार सीजन, जो प्रॉब्लम होती है फ्रूट क्रैकिंग की, मतलब फल फट जाते हैं, मैं आगे तुम्हें लास्ट में जो मेरा टॉपिक होगा फ्रूट क्रैकिंग के ऊपर है
ठीक है, उसके अंदर बताऊंगा फ्रूट क्रैकिंग की क्या क्या हो सकती है, किस किस कारण से हो सकती है। तो फ्रूट क्रैकिंग जो मेन सीजन के अंदर होती है, जब बाहर के अंदर देखने को मिलती है, मृग बाहर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग इसका मोस्टली मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम है वो मोस्टली यूज किया जाता है अनार की ट्रेनिंग के लिए, संथाई के लिए। ट्रेनिंग का जो सिस्टम भी मैं तुम्हें लास्ट में ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। कवरिंग फ्रूट विद बटर पेपर बैग्स प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम डैमेज बाय अनार बटरफ्लाई वेरेचोला आइसोक्रेट्स। जो कवरिंग की जाती है बटर पेपर के जो थैलियों से अनार के जो फल होते हैं उनको कवर कर दिया जाता है, ये अनार बटरफ्लाई से फलों की रक्षा करता है। अनार बटरफ्लाई यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वेरेचोला आइसोक्रेट्स है, ये मैं तुम्हें डिजीज के अंदर बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। पर याद रखना बटर पेपर से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जुलाई अगस्त इज द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स। जो जुलाई और अगस्त का समय होता है रोपण का, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनके लिए सही रहता है, उनमें सबसे अच्छा समय होता है जुलाई अगस्त का रोपण करने का। एनआरसी पोमग्रेनेट सोलापुर महाराष्ट्र, जो नेशनल रिसर्च सेंटर है पोमग्रेनेट का, एनआरसी, ठीक है, पोमग्रेनेट पे अनार के ऊपर, वो सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। क्लाइमेट एंड सोयल, इट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रो अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर। ये एक ट्रॉपिकल पौधा है, ट्रॉपिकल समझते होगे इसकी क्लाइमेट कैसी होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कहने का मतलब यही समझते होगे, जहाँ फिर हॉट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ऐसा मौसम इसको चाहिए होता है, ठीक है। ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एनहांस द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, जबकि इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो ज़्यादातर जब गर्म और ड्राई शुष्क होना चाहिए, जैसा अपने राजस्थान का है, ये क्लाइमेट इसके लिए ज़्यादा सूट करता है बजाय कि ट्रॉपिकल की तुलना में। ट्रॉपिकल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, पर ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात साइड थोड़ा सा अपने जैसा ही क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा ये ट्रॉपिक्स में नहीं जाता, तो वहाँ पे इसकी अच्छी कल्टिवेशन होती है, ठीक है। और इसे समुंदर तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक कल्टिवेट किया जाता है। सोयल के अंदर लोमी और एलुवियल सोयल इज़ बेस्ट, लोमी यानी कि दोमट और जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है। कैन आल्सो बी कल्टीवेटेड इन स्लाइटली एल्केलाइन, इसकी जो खेती है वो स्लाइटली एल्केलाइन जो मिट्टी होती है जिसका पीएच थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसी मिट्टी में भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, और लाइम रिच सोयल के अंदर भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसमें चूने की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है उस मिट्टी में भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। उसके बाद है वराइटीज़, किस्में इसकी, पेपर शेल्ड, मस्कटी रेड, स्पेनिश रूबी, अलंदी, कराड़ी, मस्कट, अराकता, इसके अलावा मधुगिरी, बेसिन सीडलेस, ढोलका, जालोर सीडलेस, चावला, नाभा, कंट्री लार्ज रेड, इसके अलावा गणेश जिसे GB1 के नाम से जाना जाता है, सिलेक्शन फ्रॉम अलंदी, अलंदी से निकली हुई किस्म है, ठीक है, सिलेक्शन से निकाली हुई, उसमें से चुनाव किया हुआ है, पॉपुलर इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कह लो जब महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर किस्म है, और डेवलप्ड बाय डॉक्टर GS चीमा, और इसे पुणे के अंदर डेवलप किया गया था, शायद गणेश खंड करके कोई जगह है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, डॉक्टर GS चीमा ने इसे डेवलप किया था, ठीक है। इसके अलावा G137 G107 क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम गणेश, उसके अलावा जो जी से रिलेटेड और भी किस्में हैं, वैसे मैंने दो ही लिखी हैं, G137 G107 जो है ये गणेश से क्लोनल सिलेक्शन है, गणेश से निकली हुई किस्में हैं। इसके अलावा P26 P16 P13 सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम मस्कट, और जो पी वाली किस्में हैं, पी वाली इसकी और भी हैं, ठीक है, ये एक तीन ही नहीं है और भी हैं, तो ये मस्कट से निकली हुई किस्में हैं, मस्कट से सिलेक्शन है, सीडलिंग सिलेक्शन है। इसके अलावा सॉफ्ट सीडेड वैरायटी जिनके बीज बहुत ये कह लो कि हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है, जैसे ज्योति, गणेश, बेसिन सीडलेस, पेपर शेल, इनके बीज ज़्यादा हार्ड नहीं होते, और हार्ड सीडेड जिनके अंदर बीज हार्ड होते हैं जैसे कंधारी, अलंदी, ये किस्में हैं। इसके अलावा हाइब्रिड किस्में जो इसकी हैं उसमें मृदुला,
ठीक है, गणेश इंटू गुले शान रेड का ये क्रॉस है मृदुला। इसके अलावा ज्योति जे बेसिन सीडलेस इंटू ढोलका का क्रॉस है, और रूबी गणेश इंटू काबुल इंटू यरकार्ड का क्रॉस है रूबी, ठीक है। इसके अलावा एक और नई किस्म निकली हुई है अमली दाना, गणेश इंटू ननामली दाना, याद रखना कई बार पूछी जाती है ये किस्म, अमली दाना गणेश इंटू नाभा सॉरी नन्ना का क्रॉस है और ड्वार्फ किस्म है। और इसका जो TSS होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स 12.6 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है, 12.6 डिग्री ब्रिक्स या फिर 12% भी कई बार लिखा हुआ रहता है, और ये IIHR से निकली हुई किस्म है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से निकली हुई है बैंगलोर से, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोपोगेशन, पोमग्रेनेट इज कॉमर्शली प्रोपोगेटेड बाय एयर लेयरिंग एंड हार्डवुड कटिंग। जो अनार है ये व्यावसायिक रूप से एयर लेयरिंग, जिसको अपने गुट्टी कहते हैं, ठीक है, जहाँ मार्कोटिस कहते हैं, जो चाइनीज लेयरिंग बोल देते हैं, उससे तैयार किया जाता है, नीचे पिक्चर में दिखाई भी दे रही होगी। इसके अलावा इसको हार्डवुड कटिंग से भी तैयार किया जाता है, ठीक है, मेन तो एयर लेयरिंग है और इसके अलावा हार्डवुड कटिंग से भी पौधे तैयार किए जाते हैं। कटिंग इज प्रिपेयर्ड इन नॉर्थ इंडिया इन स्प्रिंग, उत्तरी भारत के अंदर जो बसंत का मौसम होता है तब इसकी कटिंग तैयार करते हैं, एंड इन साउथ इंडिया इन मानसून, साउथ इंडिया के अंदर दक्षिणी भारत के अंदर जो मानसून का समय होता है, जब बरसात वाला सीजन होता है, उस समय इसमें कटिंग तैयार करते हैं। एयर लेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जबकि एयर लेयरिंग जो है वो बरसात के मौसम में लगाई बनाई जाती है, मतलब एयर लेयरिंग बरसात के मौसम में की जाती है, ठीक है। कटिंग नॉर्थ इंडिया के अंदर स्प्रिंग के अंदर, बसंत के अंदर, और साउथ इंडिया में मानसून में कटिंग तैयार करते हैं, और एयर लेयरिंग रेनी सीजन के अंदर। फिर है प्लांटिंग, बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून पिट्स ऑफ 60-70 क्यूबिक सेंटीमीटर आर डग एट ए डिस्टेंस ऑफ 4x4 मीटर, 3x2.5 और 4x2 मीटर्स। पहले ही मानसून से, मतलब गर्मी के अंदर ही खड्डे खोद लेते हैं, लगभग 60x क्यूबिक सेंटीमीटर के या फिर 75 क्यूबिक सेंटीमीटर के खड्डे खोद लिए जाते हैं, ठीक है, और लगभग जो दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी, वो 4x4 भी रखते हैं कुछ किस्मों के अंदर, कुछ किस्मों के अंदर 3x2.5 भी रखी जाती है, और कुछ किस्मों में 4x2 भी रखी जाती है, ठीक है, मीटर के अंदर यह दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की। द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग पोमग्रेनेट इज द मानसून सीजन, जो बेस्ट समय होता है, जहाँ कह लो कि सबसे उत्तम समय होता है प्लांटिंग का, वो ज़्यादातर मानसून का सीजन होता है। याद रखना, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी फल वृक्ष हैं उनकी ज़्यादातर की प्लांटिंग आपको मानसून के समय में देखने को मिलेगी, या फिर आपको जो बसंत सीजन होता है उसके अंदर प्लांटिंग मिलेगी मैक्सिमम प्लांट्स की, ठीक है। मानसून का जो सीजन होता है या मानसून से थोड़ा सा पहले प्लांटिंग की जाती है, हाँ जब बहुत ज़्यादा बरसात आ रही होती है, हैवी रेनफॉल हो रहा होता है, उस समय प्लांटिंग से अवॉइड किया जाता है, उस समय प्लांटिंग किसी भी प्लांट की नहीं करते। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर FYM 20 kg पर प्लांट, ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर खाद हो जो उर्वरक है उसमें गोबर की खाद जो है फार्म यार्ड मैन्योर, वो 20 kg प्रति प्लांट दी जाती है। इसके अलावा 240, 160, 60 ग्राम्स पर प्लांट NPK। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है 240 ग्राम पर पौधा, फास्फोरस 160 ग्राम पर पौधा, और 60 ग्राम या 60 ग्राम जो पोटाश है प्रति पौधा दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है। यूज फर्टिलाइजर फॉर, या फिर ये कह लो कि फर्टिलाइजर कब दिए जाते हैं, कौन सी बहार के लिए, जैसे अंबे बहार है, अंबे बहार के लिए दिसंबर जनवरी के अंदर, ठीक है, जो अंबे बहार के अंदर अपने को फल लेने हैं, कई जगहों पे अंबे बहार के अंदर फल लिए जाते हैं, तो अंबे बहार के लिए दिसंबर जनवरी के अंदर फर्टिलाइजर दिए जाते हैं। मृग बहार के लिए मई जून के अंदर फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, ठीक है, और हस्त बहार के लिए अक्टूबर नवंबर के अंदर फर्टिलाइजर देते हैं। इनके जब फ्लोवरिंग होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से सीजन में होती है फ्रूट, ठीक है, फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग के अंदर। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, शैलो कल्टीवेशन शुड बी डन टू रिड्यूस वीड्स। शैलो कल्टीवेशन मतलब उथली गुड़ाई करते हैं कि जो खरपतवार हैं वो कम हो सकें, उनकी संख्या कम हो सके, रिड्यूस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4-5 ईयर्स डू इंटरक्रॉपिंग विद वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पीस, बीन्स एक्सेट्रा,
जो शुरुआत के 4 से 5 साल होते हैं उसमें कुछ फसलें भी ली जाती हैं, इंटरक्रॉप्स भी ली जाती हैं, सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, मटर है, या फिर कोई बीन्स है, इनकी खेती की जाती है। इरिगेशन, गिव लाइट एंड रेगुलर इरिगेशन ड्यूरिंग फ्रूटिंग टाइम। जब फ्रूटिंग का समय होता है, फलन का समय होता है, उस समय हल्की और निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। याद रखना, फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या है वो पानी की अनियमितता के कारण भी होती है, ठीक है? तो पानी जो सिंचाई की जाती है, जब फल बनना स्टार्ट होता है, उसमें रेगुलर इंटरवल पे दी जाती है कि उसमें नमी सूखे नहीं पेड़ के पास। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 12 days टिल द ऑनसेट ऑफ द मानसून। जो इसमें सिंचाई है लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर की जाती है, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता, मानसून की बरसात शुरुआत नहीं हो जाती मानसून की, ठीक है? रेन शुरुआत नहीं हो जाती उनकी, स्टार्टिंग नहीं हो जाती। पोमग्रेनेट कैन टोलरेंट साल्ट वाटर। पोमग्रेनेट है वो साल्टी वाटर को भी सहन कर सकता है, मतलब आपका पानी अगर खारा, आप ट्यूबवेल का लगा रहे हो तो खारे पानी में भी इसकी कल्टीवेशन लगभग लगभग की जा सकती है। अगर आपका जो साल्ट उसमें है वो 500 to 1000 ppm उसकी कंसंट्रेशन है तो चल जाएगा, उस तक ये सहन कर लेता है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, पहला जो इसमें सिस्टम यूज़ किया जाता है, मल्टी स्टेम सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो मल्टी स्टेम सिस्टम के अंदर होता क्या है, इन दिस केस 3-4 stems आर लेफ्ट ऑन ईच प्लांट एंड द रिमेनिंग ब्रांचेज आर रिमूव, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज इन ए बुशी फॉर्म। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि भाई 3-4 तनों को नीचे से ट्रेंड करते हुए रखा जाता है, 3-4 मजबूत तनों को रखा जाता है, और उसके बाद जो भी अलग से और शाखाएं नीचे से ग्राउंड से निकलती हैं, जमीन से, उनको हटा देते हैं। फिर उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है प्लांट का, जिससे पौधे को एक बुशी कह लो या एक झाड़ी नुमा शेप मिलती है, आकार मिलता है, ठीक है? ज़्यादातर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, मतलब नीचे से ज़मीन से 3-4 तने रखे जाते हैं, उनके ऊपर फलन लिया जाता है। नेक्स्ट है सिंगल स्टेम सिस्टम। सिंगल स्टेम, ऑल लेटरल शूट्स आर रिमूव एंड ओनली वन स्टेम इज लेफ्ट, द मेन स्टेम इज पिंच्ड अबव ए हाइट ऑफ अबाउट 1 meter, रिजल्टिंग इन ब्रांचिंग, ओनली 4-5 branches वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल साइड्स आर अलाउड टू ग्रो एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 60 to 70 cm फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सिंगल तने को, एक सिंगल शूट को, लेटरल जो भी होती है उसको छोड़ा जाता है सीधी शाखा को। उसके बाद जितने भी उसमें आसपास तने होते हैं, मतलब ये कह लो कि जैसे पेड़ की स्ट्रक्चर रखी जाती है ना, एक पेड़ के अंदर एक सिंगल तना होता है, सेम इसे भी पेड़ की तरह शेप दी जाती है, एक सिंगल तना रखा जाता है और जितने भी उसके आसपास तने होते हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद लगभग जमीन से 1 meter की ऊंचाई के बाद ऊपर से जो मेन उसका ग्रोविंग पॉइंट होता है उसको तोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी लेटरल शाखाएं निकल सकें, उस सिंगल तने से नई शाखाएं निकल सकें, ठीक है? जिससे वो पेड़ जैसा, एक टहनियों जैसा ले सके। 1 meter की ऊंचाई के बाद उसको पिंच करते हैं, ऊपर से तोड़ देते हैं, जिससे उसकी एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो उसकी जो डोरमेंट कलियां होती हैं उनमें होना स्टार्ट हो जाता है और वहां से शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद उसमें भी 4-5 जो अच्छी चारों तरफ ये कह लो कि वितरित शाखाएं होती हैं, चारों तरफ अच्छी तरह से फैली हुई, जिससे कि बैलेंस बना रहे पौधे का, तो उनको छोड़कर और जितनी भी शाखाएं निकलती हैं उनको भी हटा देती हैं, ठीक है? और जो नीचे की शाखा होती है उसको लगभग जमीन से 60 से 70 cm की ऊंचाई के ऊपर वाली शाखाएं रखी जाती हैं, जो उससे नीचे शाखा तने पे निकलती है। अपने तो 1 meter का पूरा प्लांट है, ठीक है, ऊंचाई है, उसमें 60 से 70 cm के नीचे कोई भी शाखा है उसको हटा देते हैं, उसके ऊपर वाली 4-5 शाखाओं को ट्रेंड किया जाता है ऊपर, ठीक है? वाटर स्प्राउट, वीक क्रॉन्च, डेड ट्विग्स, ओल्ड स्प्राउट्स आर प्रून। इसके अलावा जो भी वाटर स्प्राउट्स होते हैं जमीन के पास में से, जहाँ कह लो कि जमीन के अंदर से नए तने निकलते हैं, उनको समय समय पर हटाते रहते हैं। जब वीक क्रॉन्चेज होते हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं ऐसी शाखाएं, उनको, या फिर सूखी हुई शाखाएं जहाँ कोई टहनी है उसको भी हटाते रहते हैं। इसके अलावा जो पुराने स्पर्स होते हैं उनको भी हटा देते हैं, ठीक है? पुरानी फ्रूटिंग वाली शाखाएं होती हैं उनको हटा देते हैं। नेक्स्ट है फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग। मैच्योर पोमग्रेनेट प्लांट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लोवर एंड फ्रूट एंड बियर फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। जो मैच्योर
प्लांट होता है पोमग्रेनेट का, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो साल भर पुष्पन में और फलन में आता रहता है। कभी भी आपके घर पे कोई एक आध पौधा लगा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें हमेशा फ्लोवरिंग भी चलती रहती है, कुछ फल पकते रहते हैं, कुछ फल लगते रहते हैं, मतलब साल भर वो फलन में आता रहता है और पुष्पन भी होते रहता है उसमें। बाहर रेगुलेशन एंड ट्रीटमेंट, जब अपने, ये याद रखना कि ये तो अपने घर में लगा हुआ था, जब अपने कहीं किसी चीज़ को कमर्शियल करते हैं तो अपने एक फसल के ऊपर जहाँ पे क्वालिटी मिल रही होती है उस फसल के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें तो साल भर फ्लोवरिंग होती है, 3 बहार के अंदर फ्लोवर आते हैं तो साल भर लगभग चलती रहती है, ठीक है। तो अपने स्पेशल एक बहार के ऊपर फोकस करना होता है कि भाई इसी बहार के अपने को फल लेने हैं, क्योंकि इसमें आगे जाके अपने को कोई नुकसान नहीं होगा कि पानी की कमी नहीं आएगी मेरे पास, जो मैं, या फिर इसकी अच्छी क्वालिटी बनेगी फल की इस समय जब मैं लूंगा, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर जो है अच्छा बना रहेगा, ह्यूमिडिटी भी अच्छी बनी रहेगी, मतलब मौसम के अनुसार अपने फसल को चयन करते हैं। तो उसमें बाहर रेगुलेशन किया जाता है, जहाँ उस चीज़ को बाहर ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, दिस इज डन बाय विद होल्डिंग वाटर सप्लाई 60 डेज बिफोर नॉर्मल फ्लोवरिंग। जिस भी सीजन की अपने को फ्लोवरिंग लेनी है, भले बिरिक बाहर की लेनी है, भले अंबे बाहर की लेनी है, या फिर हस्त बाहर की लेनी है, उससे पहले 60 दिन पहले पानी को स्टॉप कर दिया जाता है, पानी रोक दिया जाता है, पौधे को नहीं दिया जाता, जिससे पौधा एक डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लोवरिंग भी नहीं होती, ठीक है। देन एक्सपोजर ऑफ द रूट्स, एक्सपोजर ऑफ रूट्स क्या होता है कि चारों तरफ तने के आसपास, सॉरी तने से थोड़ा सा दूर चारों तरफ एक नाली खोद दी जाती है, लगभग 10 सेंटीमीटर गहरी नाली खोद देते हैं, जिससे कि उसकी जड़ों को हवा लग जाती है, धूप लग जाती है, जिससे कि यही चीज़ जो होती है, जो वाटर होल्डिंग वाली आपने किया था कि पानी स्टॉप कर दिया था, वैसे ही इसमें भी होता है कि इससे क्या होता है कि पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और पौधे अपना जितना भी सारा फूड स्टोरेज होता है वो अपने तने के अंदर स्टोर हो जाता है और पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है। पत्तियाँ झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और जितना भी स्टोरेज फूड वो अपने तने मजबूत शाखाओं के अंदर कर लेता है। इसके अलावा आल्सो यूजिंग केमिकल्स, इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं पत्तियाँ झाड़ने के लिए, उस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, फ्लोवरिंग को प्रमोट करने के लिए उस सीजन की, तो कुछ केमिकल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मृग बहार के अंदर जो फ्लोवरिंग होती है वो जून जुलाई के अंदर होती है, मतलब इससे 60 दिन पहले अगर अपने को इस सीजन के लेने हैं तो, ठीक है, जून जुलाई के अंदर फ्लोवरिंग होती है। अंबे बहार की फरवरी मार्च के अंदर फ्लोवरिंग होती है, अंबे बहार फरवरी मार्च के अंदर, अंबे बहार मतलब जो आम का सीजन रहता है आम की फ्लोवरिंग होती है। हस्त बहार सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी फ्लोवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड ईल, फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग 5 to 7 months आफ्टर फ्लोवरिंग। जो फल होते हैं वो तुड़ाई के लिए 5 से 7 महीने बाद फ्लोवरिंग के तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, मतलब फ्लोवरिंग हो गई, पुष्पन फूल बन गया, उसके बाद जो फूल है वो 5 से 7 महीने लेगा फल पकने तक, मतलब उसमें 5 से 7 महीने लगेंगे वो फल पकेगा। व्हेन राइप फ्रूट टर्न स्लाइटली येलो एंड देन पिंक टू रेड, जो उसके बाद क्या होता है उस समय जब पकता है फल, जहाँ तो हल्का सा पीलापन लेके उसके बाद वो पिंक से लेके रेड कलर का हो जाता है, हल्का सा येलो भी होगा कई किसी जगह पे, नहीं तो पिंक से लेके रेड कलर का होगा। इसके अलावा मेटेलिक साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द फ्रूट इज टैप, जब अपने उस फल को बजा के देखते हैं, मतलब उसको जैसे किसी लोहे की चीज़ को ठोक के देखते हैं ना, वैसे अगर ठोक के देखते हैं तो उसमें से आपको ऐसे आवाज़ देगी जैसे कोई कोई लोहे की चीज़ को आप ठोक रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक क्रंच आवाज साउंड इज हियर्ड व्हेन प्रेस्ड, इसके अलावा जब अपने उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे फल को, ठीक है, पके हुए को, तो उसमें से ऐसे क्रंच की आवाज़ आएगी जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से टूटी हो, पका हुआ होगा तब, ठीक है, पका हुआ तब वो एक तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ऊपर से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगा, और दबा के देखेंगे तो उसके जो दाने होंगे ना अंदर रस वाले वो टूटेंगे, जिसके कारण क्रंच की आवाज़ आएगी जैसे कोई चीज़ तड़क रही हो अंदर से, ठीक है। जो इसकी उपज है यील्ड 80 to 120 फ्रूट्स पर प्लांट, लगभग 80 से 120 फल प्रति पौधा, या फिर कह लो 16 to 20 kg पर प्लांट, लगभग 16 से 20 किलो प्रति पौधा फल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट, पहला है पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, इसे अनार फ्रूट फ्लाई भी बोल देते हैं, ठीक है। विरेचोला आइसोक्रेट्स,
मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था कि इसका क्या कंट्रोल किया जाता है, फलों को बटर पेपर के बैग से कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसका होता क्या है, इसमें आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी बटरफ्लाई की, ठीक है। इसके अलावा जो लार्वा होती है इसको वो अंदर से फल के छेद करके अंदर से सारा कुछ खा जाता है, जितने भी बीज होते हैं, ठीक है। द फीमेल लेज एग ऑन ए क्लस्टर ऑफ फ्लोवर एंड स्मॉल फ्रूट्स। जो फीमेल होती है इसकी, जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या करती है कि अंडे देती है जो फूलों के गुच्छे होते हैं उनके अंदर, या जो छोटे फल होते हैं उनके अंदर अपने अंडे देती है। हैचिंग कैटरपिलर्स बोर इनसाइड द डेवलपिंग फ्रूट्स एंड आर ईटिंग फ्रॉम द इनसाइड। उसके बाद उनमें से एक कैटरपिलर निकलती है, एक सुंडी निकलती है, जो जो विकसित हो रहा हो फल होता है उसके अंदर छेद करती है और अंदर से सारा खा जाती है। अफेक्टेड फ्रूट्स फॉल डाउन, और जो प्रभावित फल होता है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। कंट्रोल क्या है इसका, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल अफेक्टेड फ्रूट्स। जो भी प्रभावित फल है नीचे गिर चुका है उसको इकट्ठा कर लो और जला दो। हर बार मैं ये बोलता हूँ कि कलेक्ट करो, अगर ऐसा कंट्रोल है तो ये कंट्रोल कैसे हुआ, आप ये सोचते होगे। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो लार्वा है ना उसको आप ख़त्म कर रहे हो। अगले बार भी अपना, आपकी तो पेरिनियल फसल है, अगले साल उसका प्रकोप नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें से फिर वापस से वो व्यस्क बन जाएगी, फिर से अंडे देगी, वो उसका सर्कल चलता रहेगा। आप उसके लार्वा को ही ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। उसका स्प्रे मेटा एसिड और कार्बेराइल 0.2% और फॉस्फोमिडोन 0.03%, ठीक है। इसके अलावा मेटा एसिड और कार्बेरिल का 0.2% का, जब फॉस्फोमिडोन 0.03% का आप छिड़काव करो। इसके अलावा सेकंड इंसेक्ट है इसका बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरवेला टेट्रोनिस, ठीक है। ये भी एक सुंडी होती है, ठीक है। द पेस्ट बोर इन टू द बार्क ऑफ पोमग्रेनेट ट्रीज एंड फीडिंग इनसाइड। जो इसका पेस्ट होता है, लार्वा होता है, वो पोमग्रेनेट के क्या कहते हैं कि जो छिलका होता है उसको बोर कर देता है, उसमें छेद कर देता है और उसके अंदर से तने को खा जाता है। कंट्रोल क्या है, अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ ट्रीज बाय रिमूविंग अनवांटेड ट्विग्स। मतलब ये कह लो कि जो आपका ऑर्चार्ड बहुत ही ज़्यादा सघन लग रहा है, जहाँ आपका कोई पौधा बहुत ज़्यादा सघन लग रहा है, तो उसकी ओवर क्राउडिंग को प्रूनिंग करके हटाओ। बहुत ज़्यादा आपका बाग सघन नहीं होना चाहिए, हवा लगनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए उसे, ठीक है। इंजेक्ट कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल एंड प्लग द होल विद कॉटन वुल। इसके अलावा कैरोसिन या फिर पेट्रोल को उस छेद के अंदर डालो और उसको छेद को रुई से बंद कर दो, ठीक है, वो लार्वा अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजीज कंट्रोल। फ्रूट रॉट पहला है, फोमोपसिस स्पीसीज के कारण होती है। फ्लोवर इज इन अफेक्टेड प्लांट्स डू नॉट बियर फ्रूट एंड यंग फ्रूट में ड्रॉप। जो प्रभावित पौधा होता है उसमें पहले तो कह लो कि फल नहीं लगते, और कोई फल लगता है तो वो यंग अवस्था के अंदर ही गिर जाता है, ठीक है। यंग फ्रूट्स में ड्रॉप, या फिर जो यंग फल लगे होते हैं वो गिर जाते हैं। सिम्टम्स अपीयर विद येलो और ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर द फ्रूट। सिम्टम क्या होते हैं, पीले से लेके काले रंग के धब्बे फल के ऊपर चारों तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है। कंट्रोल क्या है, रिमूव एंड बर्न ऑल अफेक्टेड ट्विग्स एंड फ्रूट्स। जितनी भी प्रभावित आपको शाखाएं लग रही हैं, कोई फल लग रहा है, उन सभी को इकट्ठा करो, या उसको तोड़ के रिमूव कर लो और उनको जला दो। दूसरा है स्प्रे विद डायथेन जेड 78 0.2%। आप डायथेन जेड 78 का 0.2% का आप छिड़काव करो। नेक्स्ट इंसेक्ट है, सॉरी डिजीज है लीफ स्पॉट, ठीक है। ये यंथोमनास पुनिकी या फिर कोलेटोट्राइकम गोलियोस्पोरिडिस के कारण होती है, ठीक है। जैंथोमोनास पुनिकी कॉज इरेगुलर वाटर सॉक स्पोर्ट्स ऑन लीव्स। जो ये जैंथोमोनास स्पीसीज है ये इरेगुलर कह लो, अनियमित पानी जैसे या जल आसक्त धब्बे पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। दे आर लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन इन अपीयरेंस, जो कि हल्के भूरे से लेके बहुत गहरे भूरे रंग के होते हैं दिखने में, विद नो स्पॉट्स ऑन ट्विग्स ब्रांचेस और फ्रूट्स। जबकि ये पत्तियों के ऊपर ही ये ट्विग्स सॉरी स्पॉट्स धब्बे दिखाई देंगे, इनके शाखाओं के ऊपर या फिर तने तना होता है उसके ऊपर या फिर जो फल होते हैं उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं बनता, उनमें कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा आपको, पत्तियों के ऊपर धब्बे दिखाई देंगे। कंट्रोल है कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉलन लीव्स एंड फ्रूट्स।
जो भी आपकी प्रभावित पत्तियां हैं, ठीक है, जब फल गिरे हैं किसी कारण से, उन सभी को इकट्ठा करो, ठीक है। उसके अलावा उनको डिस्ट्रॉय कर दो, उनको जला दो। इसके अलावा स्प्रे ऑफ 0.2% डायथेन M45 और कैप्टान एट 15 डेज इंटरवल। इसके अलावा आप डायथेन M45 का या फिर कैप्टान का 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% का आपको छिड़काव करना है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादातर देखने को मिलता है, फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग क्या होती है, फल फट जाते हैं, जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फल पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं और फटने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। द क्रैक्ड फ्रूट्स आर आल्सो लाइबल टू बी इन्वेडेड बाय सर्टेन फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो क्रैक्ड फल होते हैं वहाँ पे कोई फंजाई या बैक्टीरिया बाद में उसके ऊपर घर करता है, ठीक है, वहाँ पे कह लो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म शो करना स्टार्ट कर देता है, बीज अंदर से गलने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं कि फल फटते हैं, ठीक है। ज़्यादातर याद रखना, यंग पौधा है तो वहाँ पे बोरोन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है, कि बोरोन डेफिशिएंसी के कारण फल फटे हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे ओल्ड प्लांट है, काफ़ी साल हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादातर ये चीज़ कॉज करती है कि उसके कारण फल फटे हैं। तो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन क्रिएटेड ड्यू टू इरेगुलर इरिगेशन और इरेगुलर रेन्स। जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन होती है, पानी की कमी वाली कंडीशन, कि भाई आपने नियमित सिंचाई नहीं की या फिर नियमित बरसात नहीं हो रही, उसके कारण जो मॉइस्चर स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, उसके कारण भी कई बार फल फट जाते हैं। सडन फ्लक्चुएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, जहाँ अचानक से रात और दिन के तापमान में अंतर आ जाना, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाना, तो फल इसके कारण भी फट सकते हैं। कंट्रोल क्या है इसका, पहला तो स्प्रे 0.1% बोरेक्स, ठीक है, भाई इसका अगर फल फट रहे हैं तो आप 0.1% बोरेक्स का छिड़काव करो। दूसरा है रेगुलर सप्लाई ऑफ सोयल मॉइस्चर थ्रू लाइट इरिगेशन। हल्की सिंचाई से उस सोयल के अंदर मॉइस्चर बना के रखो, नमी बना के रखो, जब आपकी फ्रूटिंग चल रही है उस समय तो बना के रखो, ठीक है। प्लांट विंड ब्रेक अराउंड द पोमग्रेनेट ऑर्चर्ड। जो विंड ब्रेक्स होते हैं, यानी कि जो गर्म हवाओं को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं, तो उस उनको प्लांट करो, उनको लगाओ, बड़े बड़े पेड़ जो हवा को रोकते हैं उनको, उनकी प्लांटिंग ऑर्चर्ड के विंड वाइड जो डायरेक्शन होती है उस सेट करो, ठीक है। इसका यूज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़, जो रोग रोधी किस्में होती है, या कह लो कि जिनमें क्रैकिंग की समस्या नहीं आती, इस ऐसी किस्मों की बुआई करो, जहाँ ऐसी किस्मों का रोपण करो। थैंक यू।